जंगल सुना बैसाख मास जंगल सुना और गर्मी पड़े थी भारी। अरे लिखा लेख नहीं मिट सकता उस हर की माया न्यारी रे, उसे हर की किस्मत खेल खिलाड़ी के बेरा, किस्मत खेल खिलाड़ी के बेरा सर छावे कर डाई। अरे पति करण सिंह संग चल दी घनी मन में खुशी मनाई रे, घनी मन में खुशी मनाई। पैदल का था रस्ता चढ़गी, पैदल का था रस्ता चढ़गी सिर पे शिखर दुपहरी। अरे चलते चलते मिली उन्हें एक बड़की छाया गहरी रे, एक बड़की छाया बैठ गए बड़ के नीचे रे, बैठ गए बड़ के नीचे फिर दोनों आसन लाई। अरे पति करण सिंह संग चल दी घनी मन में खुशी मनाई रे, घनी मन में खुशी मनाई। बताया भजन के अंदर कि माता नारायणी जी अपने पति करण सिंह के साथ उस जंगल बियाबान से गुजर रहे थे। दोपहरी का टाइम था, एक बड़ की छाया देखते हैं, थोड़ा विश्राम करना चाहा। किस तरह से बड़ के नीचे विश्राम करने लग गए, करण सिंह की आंख लग गई और किस तरह की घटना उस बड़ के नीचे घट गई, क्या लिखा तीसरी कली में। भई गहरी नींद में सोया करण सिंह, गहरी नींद में सोया करण सिंह टेम विपत का आया। अरे काले विसियर ने डस लिया नहीं समझ कुछ पाया रे, वो नहीं समझ कुछ पाया रे, वो पीठ फेर के बैठी माता, पीठ फेर के बैठी माता दिया ना नाग दिखाई। अरे पति करण सिंह संग चल दी घनी मन में खुशी मनाई रे, घनी मन में खुशी मनाई। रोको भाई भाटी, आप बताओ ये साथियों, करण सिंह को काले नाग ने डस लिया, शरीर में जहर फैल गया और स्वर्ग सिधार गए। किस तरह से माता नारायणी उनके साथ वहां सती हुई, किस तरह से प्यासे ग्वाले वहां पहुंचे और किस तरह से उनकी आवाज को माता नारायणी ने सुना और किस तरह की महिमा वहां रच दी, कैसा चमत्कार दिखा दिया, आइए सुनेंगे चौथी कली के माध्यम से।
आदरणीय वीर सिंह जी और सुभाष जी, उनकी तरफ से भी 100-100 रुपए का पुरस्कार इस भजन पर आया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। क्या लिखा चौथी कड़ी में? हाँ, पानी के प्यासे ग्वाले रे, पानी के प्यासे ग्वाले उस पेड़ के धोरे आए। अरे माता होगी सती पति संग उनको वचन सुनाए रे न्यू, उनको वचन भई छत्रपाल भडाना कह सवा कोस में नदी बहाई। अरे पति करण सिंह सती हुई घनी मन में खुशी मनाई रे घनी, अरे मोरागढ़ से माला रानी, मोरागढ़ से माला रानी गडरा जोर को धाई। अरे पति करण सिंह संग चल दी घनी मन में खुशी मनाई रे घनी, मन में खुशी मनाई रे घनी, मन में खुशी मनाई।